आपकी बुक में लेट है कि नहीं है, कोई बुक जो आपके पास है वो तो वो। कार्बन की चलो इसमें लेयर्स हैं कि नहीं? सर वॉल है है क्या वो तो आपकी सेल बात है। चौबीस सर ये और कोई सेल वॉल प्लांट्स में होती है, सर सेल वॉल प्लांट्स में होती है, सेल वॉल प्लांट्स में होती है जिसे मंच जाती है। सेल वॉल होती क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ, व्हाट इज सेल वॉल? लेकिन कोई ज्यादा आसान सवाल पूछ रहा हूँ, ज्यादा आसान सवाल पूछ रहा हूँ लेकिन मुश्किल है आपको, सेल वॉल के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। भैंस क्या होती है? जी क्लास में इस वक्त कितने बच्चे हैं? ये काफी सारे बैठे हैं, 15 बच्चे हैं। किसी को पता है भैंस क्या होती है? जानवर है सर। जी सर जानवर है। चार जानवर है। अगर आपके फिक्र को मैं यूं कहूं कि हर जानवर भैंस होती है, आपने क्या दिया भैंस जानवर? दुनिया में कम से कम 25 लाख जानवर हैं, इसका मतलब है दुनिया में 25 लाख किस्म की भैंस हैं। सर सारे जानवर भैंसे तो नहीं होते ना? तो आप लोगों ने जवाब दिया, इसका तो यही बनता है कि अगर जानवर हो तो जानवर को भैंस कर। ये आपकी क्लास के जो 4-5 बच्चों को जवाब दिया ये वाला, मैंने उसी के लिहाज से कमेंट कर दिया ये। और कोई आप लोगों ने कम से कम, आपको अभी 5वां साल चल रहा है, आप लोगों ने 2 साल मैट्रिक में, 2 साल FS में बायोलॉजी पढ़ी, उसके बाद एक सेमेस्टर पढ़ चुके हैं, दूसरा सेमेस्टर आपका चल रहा है। अगर 4.5 साल तक पढ़ के भी आप सेल वॉल को डिफाइन नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में आपको पढ़ने की बजाय कुछ और कर लेना चाहिए। 4.5 साल तक बायोलॉजी पढ़ने के बाद भी अगर आप ये नहीं बता सकते हैं सेल वॉल क्या चीज होती है तो फिर मेरे ख्याल में आपको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आप अपने पेरेंट्स के साथ पढ़ कर। सर बता सकते हैं सेल वॉल क्या होती है? तो बताएं फिर, मैं कब से पूछ रहा हूँ, मुझे 15 मिनट हो गया। सर ये डेफिनेट बाउंड्री होती है और ये आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन सेल्स की। आउटर स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइन सेल्स। आपने सेल से पहले कुछ और बोला है, वो कौन है? सेल से पहले आपने एक लफ्ज और बोला है स्टाइनस, कुछ यूं का लफ्ज मुझे समझाइए, आपने क्या कहा है? कुछ सेल में सर, सेल से पहले क्या बोला है फिर दोबारा बोले हैं? आपने कहा जी आउटर बाउंड्री होती है और जो लफ्ज आपने बोला सेल से पहले मुझे उसकी मुझे स्पाइनस लगा है, स्पाइनस सेल, आपने कुछ यूं का लफ्ज बोला। जॉब इनकम्प्लीट है और सेल से पहले आपने जो लफ्ज बोला जी वो मुझे नहीं समझा जा रहा। सर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल को प्रोटेक्ट करती है। ये जॉब दिया है किसने? सवन, क्या नाम था जी आपका? मैंने गौर में क्या आपका नाम? सवन शहजादी ने जॉब दिया है। चलिए ये बता दें ये जॉब आपने सोच के दिया है या गोल से देख के दिया है?
सर सोच के दिया कि सलवार के ये प्रोटेक्ट कर दे। चले फिर कुछ कुछ आपको जवाब दे रहा हूँ सर, फैसल भी कुछ कुछ ठीक था, लेकिन आप दो बहुत बेसिक चीजें भूल गए। चले एक और सवाल, इसका आपने जवाब दिया इसका मतलब फिर आपको कंसर्ट है, आपने यू आर ह्यूमन बीइंग, ये आप मानते हैं अपने आप को, आप इंसान हैं कि नहीं? सर समझ नहीं आई, क्या आप आर यू ह्यूमन बीइंग्स, ये समझ रहा जी सर, बाकी सवाल क्लास से भेजिए। अगर आप अपने आप को इंसान समझते हैं, क्या आपने ह्यूमन सेल्फ देखे हैं कभी खुद माइक्रोस्कोप में, क्या आपने कोई ह्यूमन सेल्फ देखा है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही, शहजादी हीरा का माइक ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही आपका। जी तो कोई जॉब नहीं आ रहा है प्रॉपर। बहरहाल चलें जी, अगर ऐसा है तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है आज आपकी क्लास मिस कर दिए, इतने आसान इतने बेसिक सवाल का आप जवाब नहीं दे सकते हैं, तो आपने क्या करना है कि तो? दो तीन शरारतें जो जवाब दिया है फैसल ने और समन ने वो कुछ हद तक ठीक था, उसमें दो शरारत है, सेल वॉल इज आउटर मोस्ट बाउंड्री और कवर ऑफ सम सेल्स इंक्लूडिंग प्लांट सेल्स बैक्टीरियल सेल्स एंड फंगल सेल्स, पौधों बैक्टीरिया और फंगस के सेल में जो सबसे बाहर आउटर लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो सेल वॉल कहलाती है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स के बाहर सेल वॉल नहीं होती है। ये वो बेसिक चीज थी जो मैं आपसे पूछ रहा था और आपने मेरे 15 मिनट जाया करवा दिए हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, आपको इतना नहीं बताया सेल वॉल क्या चीज है और आप बी एस पे पढ़ रहे हैं और वो भी सेकंड सेमेस्टर। चलिए बहुत ये जो कुछ आपके पल्ले है जी वो आप ही को मारो, तो मैं इस वक्त सेल वॉल को आने लगा हूँ। सेल वॉल के लिहाज से दो इम्पोर्टेंट चीज है, सेल वॉल हमारा मेन टॉपिक है, इसमें हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर और उसके बाद कॉम्पोजिशन, ये दो चीजें हमने खास तौर पर स्टडी कर, ये हमारा पहला क्वेश्चन सेल वॉल स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन। मैं इसके लिए डायग्राम बात करूंगा, ये डायग्राम इस रेफरेंस से होगी सेल वॉल बनती कैसे, ये मैंने ब्लैक कलर में एक सेल ड्रॉ किया है, इस सेल में कुछ हो रहा है क्या हो रहा है ये आपने बताना, डायग्राम को देख के आपको अंदाजा होना चाहिए क्योंकि फिर वही बात आ गई कि आपको 4.5 साल हो चुके हो बायोलॉजी पढ़ते हुए, इस सेल में क्या नजर आ रहा है आपको ये आपने बताना। सर डिवीजन जी जवाब दुरुस्त है कि ये अच्छा ने जवाब दिया है जी, अच्छा असलम सर समन शहजादी ने, समन शहजादी चलें आपको जवाब दुरुस्त है जी, समन शहजादी ने दुरुस्त जवाब दिया है। अब दोबारा बता रहे हैं कि है तो सेल डिवीजन हो रही है, सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज आपको नजर आ रही है? मेरी डायग्राम डायग्राम नंबर वन की बात है, डायग्राम नंबर वन है या डायग्राम नंबर, यहाँ पे जो आपको डिवीजन की कौन सी स्टेज नजर आ रही है आपको बताना है, सोचते जाएं और डायग्राम नंबर वन की बात करें। आप लोगों ने मैट्रिक और एफएससी बाकायदा क्लास में पढ़ी थी कि वो भी ऑनलाइन पढ़ी थी? जी
समझ शादी का जब रूस था पहले वाला ये बताना है जी ये स्टेज कौन सी है। चले मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, ये क्या चीज है यहाँ पे निशान लगाया है, ये लाइन के साथ क्या चाहिए, क्या बता सकते हैं क्या चीज है, किसके शो का होगी वो आंसर। मैं लफ्ज बुरा बोल रहा हूँ, लिखना मुश्किल होगा, यहाँ पे जगह थोड़ी है। कितने लोग हैं जिन्होंने माइटोसिस, चलिए मैं आसान सा लफ्ज बोल रहा हूँ, क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं, व्हाट इज सेल्फ प्लेट, सुना होगा कि नहीं सुना होगा, किसी ने सेल्फ प्लेट का नाम सुना होगा, जी याद रखिए कि जो स्टेज मैंने आपसे पहला डायग्राम है वन, इसमें जो स्टेज आप देख रहे हैं माइटोसिस की, इट इज साइटोकाइनेसिस, ये नाम आपने पढ़ा होगा सेकंड ईयर में भी टेंथ में भी दोनों में। और जो चीज यहाँ पे जो इसको मैंने निशान दिया है वाला, इसको सेल्फ प्लेट कहते हैं, सेल्फ प्लेट का दूसरा नाम भी है सेल्फ, मैं इसको दूसरा नाम भी लिखे देता हूँ दोबारा, इसका दूसरा नेम है फ्रैगमोब्लास्ट। अब मतलब उसमें आपको दोनों में से कोई एक उत्तर मिल सकता है, सेल्फ प्लेट या फ्रैगमोब्लास्ट। अब जब लास्ट स्टेज होती है यानी साइटोकाइनेसिस चल रही होती है सर्वाइकल के लिहाज से, तो गॉल्जी बॉडी से कुछ वेसिकल्स आते हैं वो यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं, जमा होने से ये स्ट्रक्चर बनता है वो फ्रैगमोब्लास्ट के सल्फेट कहलाता है। ये ही सल्फेट आगे इस नंबर टू डायग्राम जो चीज बन गई है उसका नाम है मिडल लेमेला, आपने ये नाम सुना होगा या पढ़ा होगा, मिडल लेमेला, ये लोगों के कम से कम इंटर में मौजूद था मिडल लेयर लेयर। और ये लेयर जिस केमिकल से बनी हुई है उसका नाम है पेक्टिन, इनको लिखता हूँ इस केमिकल का नाम पेक्टिन है, उसका वो मैं कैल्शियम पेक्टेट का लिखा मिलेगा, मैं पेक्टिन को कैल्शियम पेक्टेट की जगह पे यूज कर, इट इज जस्ट लाइक ए सीमेंटिंग सब्सटेंस है, दो साल पास में जोड़ के रखते हैं। अगला पॉइंट, अगर हम इस मिडल वैलों को ब्रेक कर दें तो ये दोनों सेल सल्फेट हो जाएंगे, इसके ब्रेक करने को मैसिरेशन कहते हैं। ये हमारे एक प्रैक्टिकल फेस है, प्रैक्टिकल के बारे में बाद में आपको बताऊंगा। ये तीन अहम पॉइंट्स हो गए, ये कंपोजिशन भी होगी, मिडल वैल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन कैल्शियम पेक्टेट व्हिच इज सीमेंटिंग सब्सटेंस, जो दोनों सेल सल्फेट हो गए। अब अपने तीसरी डायग्राम को गौर से देखना है, ये ब्लैक की हद तक वो ही थी, मैं कलर चेंज करके ला रहा हूँ, आप देखना है कि मैंने अब क्या किया है, कैसे मैंने इस तरह जी ये कलर नजर आ रहा है कि नजर आ रही है, आपने बता देना जो मैंने कलर ड्रा किया है, इज इट क्लियर और नॉट, नजर आ रहा है आपको कि नहीं नजर आ रहा है ये बता दीजिए। जी सर नजर आ रहा है, डिम है लेकिन चले बहरा, दिस इज प्राइमरी वॉल, ये जो मैंने लेयर ड्रा किया है मिडल लेमेला के दोनों साइड पे, और ये अपने माइक बंद रखिए जी, समझ से आती है माइक बंद रखा है, शोर आ रहा है जी। दिस इज प्राइमरी वॉल, दिस लेयर इज प्राइमरी वॉल, और मैं पूरा नाम लिखूंगा जी, सिर्फ B for primary और W for global wall। अब ये हमारे तीन स्टेप हो चुके हुए हैं, ये हमारा स्टेप नंबर थ्री था, अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें बनना है लेकिन टाइम थोड़ा है और ये मुकम्मल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, मैं इसी के अंदर नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करने लगा हूँ। ये स्टेज नंबर फोर इधर मैं है और ये मैं एक साल में ड्रा कर रहा हूँ, इससे मैं ड्रा दूँ, दिस इज स्टेज नंबर फोर है और जो चीज बनी है इट इज सेकेंडरी वॉल, दिस इज सेकेंडरी वॉल, ऐसे से सेकेंडरी के लिए और डब्ल्यू वॉल, दोबारा चेक कीजिए सेल डिवाइड हो रहा है, उसमें सबसे पहले बनी प्लस या सल्फेट, अगर मिडल वाला बनी है जो कैल्शियम पैकेट से बनी है, इन दोनों सेल आपके टेबल होते हैं, इसके दोनों साइड के ऊपर इसकी अपनी सेल वॉल बनी है प्राइमरी वॉल
और उसके बाद मैंने एक सेल में शो किया, इसमें शो नहीं की, इसमें शो कर दिया मैंने जो सबसे अंदर लेयर बनी है वो सेकेंडरी वॉल है। उस तबों में आपको टर्शियरी वॉल का लुक भी मिलेगा, लेकिन टर्शियरी वॉल एक्चुअली सेकेंडरी वॉल की ही लेयर, हमें सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी और मिडल वाला प्राइमरी और सेकेंडरी को हम इसी अंदर डिस्कस करेंगे। अब मैं इसके दूसरे हिस्से में आ रहा हूँ। हमारा जो दूसरा हिस्सा है वो कंपोजिशन है प्राइमरी वॉल, पी डब्ल्यू प्राइमरी वॉल के अंदर। प्राइमरी वॉल के अंदर जो केमिकल्स मौजूद हैं, नंबर वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल है वो सेलुलोज। आप सेलुलोज के नाम से पहले से वाकिफ हैं, आपने सेलुलोज का नाम पहले से पढ़ा, ऐसा ही है कि नहीं? सेलुलोज के अलावा मैं दूसरा नाम लिख रहा हूँ, एच लिख के नीचे मैंने ये शो कर दिया है, विच इज हेमी सेलुलोज। सेलुलोज के नीचे एच, ये एच का मतलब हेमी है, हेमी सेलुलोज। हेमी सेलुलोज सेलुलोज से छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। सेलुलोज बताते खुद जो है ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनाता है। सेलुलोज में 1000 से लेके 6000 तक ग्लूकोज मौजूद है। ये था जो हमारा दूसरा हेडिंग सेलुलोज। इस सेलुलोज के अलावा इसी प्राइमरी वॉल के अंदर आपने प्राइमरी वॉल के बारे में स्टेटमेंट पढ़ा हुआ एंटर में, और वो वर्डिंग थी इट इज ट्रू सेल वॉल। किसी भी सेल की असल जो वॉल होती है वो ट्रू वॉल प्राइमरी वॉल के अंदर, क्योंकि हर सेल में प्राइमरी वॉल का होना शर्त है। मिडिल लमेला खत्म भी हो सकता है, सेलों को जोड़ के रखना है। अगर सेल जुड़े ना रहना चाहें, अगर ये फ्रंट सेल की बात हो रही है तो फिर ये खत्म हो भी सकती है और ठीक हो जा सकती है। एनी हाउ प्राइमरी वॉल में सेलुलोज के अलावा पेक्टिन, लेक्टिन, क्यूटिन, काइटिन और इसके अलावा अदर केमिकल्स भी कुछ मेदार मार्केट हो सकते हैं, जिनकी बाकी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे आखिरी हेडिंग में, और उस आखिरी हेडिंग का नाम है सेकेंडरी वॉल। अब मैं यहाँ डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, डायग्राम को कुछ देर मुझे ड्रा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने लाइट रखा तो ये नज़र नहीं आएगा। आपको ये देख के नज़र आ जाएगा, याद आ जाएगा कि आपने इस तरह के डायग्राम कभी ना कभी देखी। ये जो मैंने डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ इसमें ये मैंने फाइबर्स दिखा, दीज आर दी फाइबर्स। अब दोबारा गौर से देखिए, इनके ऊपर मैं मजीद कुछ फाइबर ड्रा कर रहा हूँ, ये दूसरे के ऊपर डिफरेंट एंगल्स के ऊपर पड़ेगा। अगर आपको याद हो आपने इंटर में कथा किस क्लास में ये याद है भूल चुकी है, ये आपने बताया दिस इज क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है फाइबर्स की, सेलुलोज फाइबर्स की, जो कि सेल वॉल के अंदर मौजूद होते हैं। अगर आप कभी गौर करें, आपने कहीं पर दीवार बनती हुई देखी हो, ईंटों के अंदर जोड़ते हैं वो भी वो एट राइट एंगल रखी होती है। ये राइट एंगल नहीं, मैंने जानबूझ के एंगल कुछ और ड्रा किया है। राइट एंगल हो या कोई भी एंगल हो, जब फाइबर्स इस तरह से पड़े हुए हों तो ये अरेंजमेंट किस तरह से कहलाती है, और किस तरह का और वो स्ट्रक्चर बनता है वो फिर स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है। और ये था जी स्ट्रक्चर प्राइमरी वॉल का स्ट्रक्चर। और अब हम जाएंगे सेकेंडरी वॉल की तरफ। सेकेंडरी वॉल में एक से ज़्यादा लेयर्स हो सकती है, लेकिन इसकी जो शरायत है सेकेंडरी वॉल, पहली बात है ये सब सेल में कुछ में होती है और कुछ में नहीं होती। वो सेल जो मजबूत और मोटे होते हैं, जिन्होंने पौधे को सपोर्ट करना होता है, उनमें सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है। आम सेल्स में जो ग्रीविंग प्लांट्स हैं उनके अंदर सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है। लकड़ी दरख्त मोटे ताज़े ऊँचे बड़े बड़े दरख्त हैं उनके अंदर लकड़ी, और लकड़ी के अंदर जो है खासतौर पर सेकेंडरी वॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो उनको सपोर्ट करती है। सेकेंडरी वॉल का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे ही है जैसे हमने यहाँ पे देखा है प्राइमरी वॉल में, लेकिन इसके अंदर बहुत से केमिकल जमा हो जाते हैं, और वो जो केमिकल्स हैं इसके अंदर जमा होते हैं वो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल का नाम सिर्फ लिखूंगा, बाकी नाम मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, वो है चीज लिंग। क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं पहले से? क्या आपने इससे पहले लिंग का नाम पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा, किसी को वैसे मालूम है कि होता क्या है, किस तरह का होता है, इसका कोई फायदा? सर ये रिजिड लिक्विड होता है, रिजिड के बाद ठीक है। इसके साथ हमने एक और बोला है रिजिड, क्या होता है ये सर? लिक्विड रिजिड के अलावा आपने एक लफ्ज और भी बोला है कुछ
रिजेक्ट ठीक है आपके बाद और क्या बोला सर इसके चलो फिर सर लिक्विड बोला है लिक्विड का है जी सर आपने तो पांच को कुत्ता कह दिया ये रीड जरूर होता है लेकिन ये लिक्विड नहीं होता सॉलिड होता है इट इज प्रेजेंट ये कि सॉलिड है उठा ही मजबूत बहुत अहम केमिकल है इसका केमिकल तो मशीन इसकी बहुत अच्छी तरह लिख देती है और वो कैसे बनता है ये सब हमारा ये कर सकते हैं मैं सिर्फ आपको एक वेबसी चीज बनाने के लिए हूँ जो कि यहाँ पे इस पेज पर खत्म हो गई मैं एक और चीज बना देता हूँ इसको क्लिक करके वेबसी ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे और आपने इसको देख के बताने के क्या आप आप भी से किसी ने शिवपुरा की गला मंडी देखी शिवपुरा की गला मंडी जी सर मैंने देखी हुई है जी सर मैंने देखी है अब यहाँ पे जहाँ पे गला मंडी है यहाँ पे साथी आरे हैं आरा वो जगह जहाँ दरख्तों को काटते हैं चीते देखे मैं वो भी सर हमारे गांव में भी है ठीक है ये मैंने एक दरख्त को काट के दिखाया है जो आप देख रहे हैं दायरा ये दायरे ये दरख्त को काट के दिखाया है दरख्त की लकड़ी में अंदर और सर इसमें डिफरेंट एक्सक्यूज मी सर इसमें इसमें डिफरेंट दरख्त ग्रह करें ना सर मैं बोल रही हूँ इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं एक ब्लैक एक गोल्डन कलर की स्किन इस तरह डिफरेंट लेयर्स होती हैं इसमें जब इसको इस तरह ठीक है इस तरह के सेशन में काटा जाता है बिल्कुल ऐसे ही है ये मैंने इसको काट के दिखाया मैं पहले टच करूंगा जब मैं माउस से ड्रा करता हूँ मेरी टाइटनिंग तो वैसे ही गंदी है तो माउस से ड्रा करने में बहुत ज्यादा गंदगी आ जाती है जो अंदर वाला है ये डार्क कलर में जो अंदर वाला कलर है उसका कलर डार्क है और जो बाहर वाला है ये लाइट कलर ये दरख्त को काट के देख रहे हैं उसकी लकड़ी के दो हिस्से हैं बाहर लाइट कलर और अंदर डार्क कलर जो ज्यादा डार्क कलर वाली लकड़ी होती है उस पर लिग्निन ज्यादा होती है और जो लाइट कलर वाली है उसमें लिग्निन कम होता है मेरे फिगर पे गौर करना है इसमें मोर लिग्निन और उस वाले में लेस इसमें लेस लिग्निन है और इसमें मोर ज्यादा लिग्निन इसमें जितना ज्यादा लिग्निन होगा वो उतनी डार्क हो जाएगी उतनी मजबूत हो जाएगी अगर फर्नीचर बनाना हो हमारे यहाँ टाली बहुत मशहूर हो जाए टाली की लकड़ी काफी महंगी है फर्नीचर के लिहाज से अगर टाली काली रंग तो ये वाला पोर्शन है वो ज़्यादा अच्छी लकड़ी होगी और वो अच्छी लकड़ी जो है अच्छा फर्नीचर जो लाइट कलर वाली होती है अच्छा पहला ये मैंने सिर्फ इस लिहाज से एक्सप्लेन किया है कि लकड़ी दरख्तों की लकड़ी में लेकिन होता है जितना ज़्यादा लेकिन होगा जो लकड़ी का अंदर वाला हिस्सा है दरख्त का जो अंदर वाला पोर्शन होता है इसमें ज्यादा होते हैं वो इतना ही मजबूत और अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होती है जो बाहर वाला पोर्शन है इसमें भी लिग्निन मौजूद है लेकिन इसमें लिग्निन थोड़ी मिकदार में होती है और जो सेकेंडरी वॉल होती है उसमें लिग्निन ज्यादा मौजूद है और उसी की वजह से अब लिग्निन के अलावा अगर केमिकल्स भी मौजूद हैं जैसे मैंने कहा था प्राइमरी वॉल कि प्राइमरी वॉल में बेसिकली सेलुलोज है प्लस अदर केमिकल्स सेकेंडरी वॉल में सेलुलोज भी है लिग्निन भी है अब एक हो गया जी सेलुलोज और नंबर दो हो गया लिग्निन बेस उसकी सेलुलोज से बनी होती है लेकिन उसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है प्लस वो तमाम केमिकल्स जिनका नाम मैंने लिया था प्राइमरी वॉल प्लस कुछ और केमिकल्स और कुछ और केमिकल में सिर्फ दो के नाम लिखा आपने खुद बताना है कि आप इनसे बात कर सकते हैं मैंने एक लिखा है एस आई को क्या आप इससे बात कर रहे हैं जी डू यू नो व्हाट इज दिस एस आई को क्या होता है सर सिलिका ठीक है ये जॉब किसने दिया है सर सिलिका इससे पहले जॉब कुछ किया जी अब CaCO3 ये क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट शुक्र है जी आप लोगों को दो चार केमिकल के नाम तो आ गए हैं SiO2 और CaCO3 दो केमिकल्स हैं
मैं काम बोलता हूँ जी, उनको दो नाम बोलता हूँ, क्या आपने ब्राली और तूड़ी देखी हुई है? जी सर मैंने देखी हुई है। उसको कभी हाथ लगा कर देखते हैं? जी सर देखे हैं। कैसी भी सोप है, उसको हाथ लगा कर कैसी है? सर हार्ड भी होती है, सॉफ्ट भी होती है। और इसके अलावा मॉडर्न सॉफ्ट के साथ साथ उसको मुंह पर रगड़ के देखें क्या होगा? सर रफ होती है। सर बहुत ज्यादा चुभती है। सर अब दो जॉब हो गए, एक जॉब आया था रफ होती है और एक दूसरी जॉब आया चुभती है। अब बात हो गई रफ कह लें या उर्दू में कहूँगा खुरदरी होती। अब दोबारा बात करें कि जो मैंने नाम लिया था तूड़ी और पुराली, उनके अंदर सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह ज्यादा मौजूद होते हैं। ये पौधों की सेल वॉल की बात है, जिसके से वो सेल वॉल्स में ये सेल जो है खुरदरे महसूस होते हैं, अगर उसको रगड़ा जाए वो खराश डालते हैं। इन पौधों में ये ज्यादा मिला, ये भी मौजूद है कुछ पौधों में, सब में नहीं नजर में, ये कुछ पौधों में मैं तूड़ी पाली का नाम पास कर। प्लस बाकी वो तमाम केमिकल्स मसलन वैक्स केस, अब वैक्स के नाम से बात करें पहले से अपने वैक्स के अलावा क्यूटेन, डेक्टेन, काइटेन, सोब्रेन, ये बहुत से नाम पड़े हुए हैं। मैंने सिर्फ एक नाम लिखा है, वैक्स अलावा और भी बहुत से नाम कुछ पौधों में ये मौजूद होते हैं सेल वॉल के अंदर। ऐसे ही हेमी सेल उसका नाम आर्टिकल आज का हुआ गम और म्यूसिलेज, मेरे ख्याल में आपने ये नाम भी से पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। गम और म्यूसिलेज के नाम से वाकई में ये नहीं तो बताएगा जी गम क्या चीज है? जी सर व्हाट इज गम होती क्या है और म्यूसिलेज वो जानना है। चलिए किकर का नाम सुना है कभी? किकर का तरफ देखा है किसी ने? गांव से किसी का ताल्लुक हो और किकर का दरख्त देखा हुआ हो? सर मेरा ताल्लुक गांव से और मैंने देखा हुआ है। हो गया सर, ये तो ताल्लुक है। इसा ये चेक करें, इस वक्त सिर्फ 12 पर्सन शो हो रहे, सिर्फ 12, इनका नाम नोट करें जी। और जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनका क्या इलाज किया जाए? हाँ ये सुन लीजिए जी, वो परसों जो मीटिंग थी कॉलेज में आपको चल देना इन्फॉर्म किया था, मेट्रम फर्स्ट के लिए तैयार हो जाए किसी भी होता है जुलाई में आपका मेट्रम हो सकता है। तो कैसे होते हैं वो ज़्यादा बस है, लेकिन आप लोग मेट्रम के लिए तैयार हो जाए। गम और म्यूसिलेज, गम गोंद को कहते हैं, कितने में से गोंद निकलती है, अब शुरू मारू कैमिकल है और शुगर भी होता। गम अगर आपने कागज जोड़ने वाली गम देखी हुई तो शुरू मारू चीज है। म्यूसिलेज बहुत से मतलब पौधों से, मैं एक पौधे का नाम ले रहा हूँ आप इस नाम से बात करते हैं, हम इसको शेर मंद में कई बस का नाम आया था, उर्दू में आग कहते हैं, पंजाबी में अग कहते हैं, बड़े बड़े सर्ज के पत्ते होते हैं, इसको थोड़ा उसमें दूध निकलता है, मुझे दूध निकल रहा है ये या इस तरह से कोई और सब्स है, बस एक और पौधा है इसको लसूड़ा कहते हैं। अगर किसी पौधे में से कोई केमिकल निकल रहा हो और वो केमिकल इलेक्ट्रिक हो तो उसको पंजाबी में उर्दू में लैस का नाम देते हैं, जिसमें से लैस निकलती है। भिंडी तोरी, आई एम श्योर आपने भिंडी तोरी भी देखी होगी, देखी हुई है ना? जी सर। उसमें से भी लैस निकलती है, अगर बिजली का दरमा लैस की है, अख में से दूध की शक्ल में है, छोड़े में से भी वो लिक्विड की शक्ल में आती है। पर ये मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जो मुख्तलिफ पौधों से निकल सकते हैं और ये सब सेल के अंदर और सेल वॉल के अंदर मौजूद है। हमारा टॉपिक का पहला हिस्सा हमने सेल की बेसिक लेयर्स वो कैसे बनती हैं, फॉर्मेशन कहाँ पे है और उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, मतलब कौन से केमिकल मौजूद हैं, दो हिस्से हमारे इस चैप्टर के मुकम्मल हो गए। आखिरी हिस्सा इंशाल्लाह देख रहा गया, बाकी टाइम थोड़ा सा बाकी है जी, तो किसी वक्त भी बंद हो सकता है, पर यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो आप कर सकते हैं। If you have any question, you can ask a question. सर जो आपने ये आग बोला है इसमें जो वो निकलता है दूध सवाई वो पॉइजन होता है? मेजॉरिटी पौधों में से नॉट ऑल, लेकिन मेजॉरिटी पौधों में से जो दूध निकलता है वो आमतौर पर पॉइजन होता है, लेकिन
यानी कि पॉइजन हल्का हो सकता है, ज्यादा होता है, मुख्तलिफ पौधों का पॉइजन है, मुख्तलिफ नेचर का। कुछ में हल्का पॉइजन होगा, कुछ में ज्यादा पॉइजन हो सकता। और भी कर सकते हैं। चलो ये कंस्ट्रक्शन है, ये पॉइंट थोड़ा है, ये बाहर हो जाएगा।